अस्सलामुअलैकुम। बदतमीजियों की नई एपिसोड के साथ मैं हूं नबीहा एजाज और मैं हूं मायरा खान। हमारे साथ है एक ज़ेहनी अमराज की डॉक्टर, इनसे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज के बदतमीजियों की एक झलक। आजकल राजा रियाज और राणा सनाउला ने एक दूसरे के लीडरों के ज़हनी मुआयने की डिमांड की है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए ज़हनी मरीज की क्या निशानी है? ज़हनी मरीज हमेशा खुद को नॉर्मल और दूसरों को बीमार समझते हैं। जैसे राणा सनाउला और राजा रियाज दूसरों को, हो सकता है उनकी ये वेश हो कि दूसरे ज़हनी मरीज हो। है किसी की कोई वेश? राजा साहब, आपकी कौन सी विश रह गई है? देखिए जी, कोर्ट को तो मुझसे मोहब्बत ही हो गई है, सबको छोड़ के मुझ पर तवज्जो दे रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ कि अदालत मेरी किसी बात किसी हरकत को सीरियस ना ले, कोई वकील तक मेरे बारे में ना सोचे, सब इग्नोर करें। आपकी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आप फैसल रजा आप भी बन गए। किसी की कोई और ख्वाहिश? जी मौलाना साहब, आपकी क्या विश है? 73 के आइन के तनाजुर में मुझे खाने का शौक है, लेकिन थोड़ा सा खाता हूँ तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता हूँ। मेरी विश है जितना भी खा लूं देखकर लगे अभी भूख बरकरार है, पेट फुल ना हो। आपकी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। आप वजीरे रेलवे बन गए हैं, इतना मजी खाएं देखकर यही लगेगा कि महीनों से नहीं खाया, खाने से भूख बढ़ेगी। विश टाइम के साथ इजाजत। चौधरी शुजात हुसैन की सियासत सिर्फ दो कामों पर मुश्तमिल है, अगर वो कुछ ले रहे हैं तो समझ जाएं कि वो विजारते होंगी, और अगर वो कुछ दे रही हैं तो समझे कि वो मशवरे दे रही हैं। दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए चौधरी साहब क्या क्या मशवरे देते हैं? खैर, बड़े परेशान लग रहे हैं। वो चौधरी साहब, रेलवे की हालत बहुत खराब होती जा रही है, कैसे ठीक करूं समझ नहीं आता। मैं आपको मशवरा दूं, तुसी अपना मेडिकल चेकअप कराओ। मेरे मेडिकल चेकअप से रेलवे की हालत ठीक हो जाएगी? नहीं, आपकी हालत ठीक हो जाएगी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए तो आप रेलवे की भलाई का सोच रहे हैं। रीइन्वेंशन का जमाना है। सुना है जापानी साइंसदान ने ऐसा सियासतदान रीइन्वेंट कर लिया है जो सच बोलता है, है ना? साइंस का कारनामा। कराची में मोबाइल चोरी इतनी आम है कि किसी राह चलते को सलाम मिलो तो सलाम का जवाब बाद में देता है, अपना मोबाइल फोन पहले दे देता है। चोरी से बचाने के लिए फोन ऐसे रीइन्वेंट होने चाहिए कि जो ही चोर फोन पकड़ने जाए अंदर से उसकी बीवी की आवाज आने लगे। कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया कर। हैं? बेगम? ओ जल्दी बगा, ओ मेरी बेगम बोल रही थी। तेरी तो मत मारी गई है। बेटे मुँह, गद्दी कोई चंगा काम ना करना। जल्दी कर, बेगम नू पता चल गया। मोबाइल हो तो ऐसा। ज़्यादा शोहा ना बन। बेगम, बेगम कहाँ से बोली? इसी तरह कराची से मोबाइल फोन चोरी होना बंद हो सकते हैं। IMF वालों को पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने में मुश्किल होती है, अगर वो अपने दफ्तर रीइन्वेंट कर ले तो मुश्किल खत्म। इस रीइन्वेंशन के बाद सियासतदान IMF से उधार लेने की बजाय उल्टा उनको पैसे देंगे। खाद में आला पुर
पुराने स्कूलों को उनकी हालत पर छोड़कर नए स्कूल रीइन्वेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ऐसे स्कूल रीइन्वेंट करें। ठीक है, आप जाएं। नेक्स्ट। जल्दी आओ भाई, मुझे तालीम को जल्दी जल्दी फैलाना है। मेरे इस बेटे को 9th क्लास में कर दें और इस बेटे को 10th क्लास में कर दें। मैंने तुम्हारे इस बेटे को 9th क्लास में अपडेट कर दिया है और इसको 10th क्लास तक। अगले साल इनको फिर लेकर आना ताकि अगली क्लास में अपडेट किया जा सके। चलो आप जाएं। नेक्स्ट। है ना, तालीम देने का जदीद तरीका। अमेरिका अगर मरीख पर है तो तालीम के मामले में हम भी मरीख पर है। डॉक्टर साहिबा, जमशेद दस्ती ने असलम रईसानी साहब को ज़हनी मरीज करार दे दिया है। ये जमशेद दस्ती डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर बन जाते अगर ऐसे में फेल ना हो जाते। आजकल वो बीए करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जमशेद दस्ती साहब, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या पता फिर इलेक्शन लड़ने के लिए बीए की शर्त रख दी जाए। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? बीए की तैयारी कर रहा हूँ। बीए की तैयारी? आप तो ये मैं दरअसल बीए में टॉप करना चाहता हूँ और उसी तरह इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ जैसे बीए में टॉप करने वाले मोहसिन ने की। आज का ट्रेंड है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन शादी ही नहीं, ऑनलाइन तलाक भी हो रही है। अब जब इतने काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो हो सकता है कि कल ये ट्रेंड हो कि बालों की कटिंग या शेव के लिए बाहर ना जाना पड़े बल्कि ट्रेंड भी ऑनलाइन हो जाया करे। लेकिन पाकिस्तान में मसला हो सकता है। ओह नो, लाइट बंद हो गई। मुझे तो अभी काबीना के अजलास में जाना था। ओ भाई, आजकल ट्रेंड है हम फोन पर खाने पीने की अशिया और दूसरी चीजों के ऑर्डर कर देते हैं और फ्री होम डिलीवरी हो जाती है। कल ये ट्रेंड हो सकता है कि घर बैठे तालीमी डिग्रियां लेने का ट्रेंड आ जाए। फ्रेश यूनिवर्सिटी में आपको खुश आमदीद। जी हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी मेन्यू क्या है? जी इस वक्त एमए उर्दू के अलावा बाकी तमाम डिग्रीज दस्तयाब हैं। आप ऑर्डर करें। मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस तो पहले ही बहुत हैं। मुझे पीएचडी की फ्रेश डिग्री भिजवा दें। डॉक्टर साहिबा, आपने किसी सरफिरे सियासतदान के सर का मुआयना किया? हाँ, असलम रईसानी के सर का किया। अंदर से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हम दिखाते हैं आपको एक ऐड का ऑफिशियल वर्जन। ओबामा मामा दूर के बोले इमदाद जरूर ले, नया ड्रोन आया है इसमें मिसाइल लगाया है, वजीरिस्तां भिजवाया शिकायत की वही अहमियत, एक शिकायत पर दो इजाफी हमले, सात बड़े बेटों के लिए बड़ी इमदाद। आपने एड का ऑफिशियल वर्जन देखा, इसी एड का गवर्नमेंट वर्जन देखें। सरदारी अंकल दूर के बोले सूबे जरूर बने, नया इलेक्शन आया है सूबा कमीशन बनाया है, लोगों को बहलाया आया है। पीपी की वही सियासत और अदम तहफ्फुज़ अब नए सूबों की इजाफी खूबियों के साथ, नए इलेक्शन की नई ताकत। गवर्नमेंट वर्जन देखा आपने, अब इसी एड का ऑपोजिशन वर्जन हो जाए। नवाज़ अंकल दूर के बोले इत्तेहाद जरूर
इजाफी खूबियों के साथ मुतहदा अपोजिशन बड़ी ताकत। मियां जी जान दे हो, हम साड़ी वारी आन दे हो।